जिले की छपारा विकास खंड के ग्राम सागर में माध्यमिक शाला के पदस्थ एक शिक्षक पर शाला में ही अध्ययनरत नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छपारा पुलिस ने शिकायत पर आरोपी शिक्षक पर कार्यवाही की है। पुलिस छपारा के अनुसार 29 फरवरी शनिवार के दिन ग्राम सागर के माध्यमिक शाला में अध्ययनरत छात्रा विद्यालय में किसी विषय की पुस्तक लेने के लिए पुस्तकालय में पहुंची। तभी आरोपी शिक्षक अखिलेश डेहगरिया वहां पहुंचकर छात्रा को अकेला पाकर वहां के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अशोभनीय हरकत करने लगा। नाबालिग छात्रा किसी तरह से उस शिक्षक से छूट कर घर पहुंची, जहां उसने अपने साथ घटित घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों के द्वारा छपारा थाने में पहुँच कर उस शिक्षक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी शिकायत के आधार पर छपारा पुलिस ने आरोपी शिक्षक अखिलेश डहेरिया के विरुद्ध धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। सियोनी से महफूज अंसारी के साथ जादिल खान की रिपोर्ट। अखिलेश डहरिया शिक्षक लुड़की की घटना है, छात्रा है सागर लुड़की का मामला है। एक मिनट, थोड़ा सा लाउड बोलना, तेज है ना। अखिलेश डहरिया शिक्षक है लुड़की गांव से, सागर गांव से। छात्रा का मामला है जिसे वह झाड़ू के बहाने कमरे में ले जाकर उसके साथ में, हो सकता है कि मामला और भी हो, लड़की बोल नहीं पा रही है, मतलब संचित है मामला। अभी ये आपने जो ज्ञापन सौंपा, किस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ यहाँ जो थाना प्रभारी, उसकी हरधर्मिता है, लोगों के साथ में वो सुनाई नहीं, 6 घंटे तक परिवार को परेशान किया गया है, तो थाना प्रभारी भी हटाया जाए तत्काल, इस पर लेकर हमारा ज्ञापन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।